सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ हनी अग्रवाल फ्रॉम एक्सेल इंस्टीट्यूट एंड मैंने अभी नवंबर अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन का नवंबर अटेम्प्ट दिया था। कल ही हमारा रिजल्ट अनाउंस हुआ है एंड मुझे पता चला कि मेरा ऑल इंडिया सिक्स रैंक आया है। जब मुझे ये रिजल्ट पता चला तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था, तो शॉक था मेरे लिए, मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए, क्योंकि हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जैसे ही हमें पता चला हम बहुत ज़्यादा खुश थे। सबके कॉल्स आने लगे, मैसेजेस आने लगे, हमारे टीचर्स, फ्रेंड्स, एंड पता चला कि एक्सेल से 21 रैंकर्स हैं। तो बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट था। तो इस रिजल्ट में मैं आई वुड लाइक टू से कि कुछ भी एकदम इम्पॉसिबल नहीं होता है। इट्स ऑल अप टू अस, हमारा हार्डवर्क है जो फाइनली रिजल्ट करता है। तो अगर हम अपना बेस्ट दें डेडिकेशन के साथ, अगर हम लोग अपना बेस्ट दें तो सब कुछ पॉसिबल है। मेरे इस रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरे टीचर्स का रहा है, क्योंकि वो हम पे इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं कि हमें खुद मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छा करें, हमारे लिए नहीं, हमारे फैमिली वालों के लिए और हमारे टीचर्स के लिए। मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था कि पता नहीं पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक इज़ समथिंग अनदर लेवल, तो पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं। बट मैं भी अपना बेस्ट देती गई, फिर हमारा इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला। हमारे एक्सेल का क्लासरूम एनवायरनमेंट ऐसा है कि कंपटीशन में इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं, साइकिल टेस्ट, हमें पता चलता रहता है कि हम कहाँ अच्छा कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। हमारे टीचर्स जो हमेशा रेडी रहते हैं हमारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, हमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देने के लिए, एकदम कंपटीशन का एनवायरनमेंट बनाने के लिए, तो बहुत अच्छा है। और मेरे रिजल्ट का कंट्रीब्यूशन तो मैं अपने टीचर्स को ही देना चाहूँगी, संजय सर, हमारे प्रवीण सर, सौरभ सर, अभिषेक सर, इतना ज़्यादा हमें मोटिवेट किए हैं, इतना ज़्यादा हमारे ऊपर मेहनत किए हैं। फिर आई वुड से कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ए आई आर के लिए एम करना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग कि इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। अपना बेस्ट देंगे, अपना बेस्ट करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि अ सिंपल गर्ल लाइक हनी कैन गेट एन AIR, एन AIR 6 इज़ अ बिग थिंग। सो मच माई टीचर्स, माई मेम्बर्स, माई फ्रेंड्स, सो मच। Good morning, myself Anish Agrawal. I am from Excel Education Institute. I have scored 362 marks in CA Foundation examination, All India rank 8th. Now I am standing in front of you to share something regarding CA Foundation examination. I would like to talk in Hindi. पहली थिंग करके अगर आप CA Foundation का एग्जाम दे रहे हैं तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है करके आपको अपने में सेल्फ कंट्रोल लाना है। अगर आप सीए का कोई सा भी पेपर दे रहे हो तो सेल्फ कंट्रोल इज अ मस्ट। सेल्फ कंट्रोल मतलब ऐसे करके तुमको मोबाइल से नहीं पढ़ाई से प्यार करना है, पढ़ाई करना है ताकि हमें पढ़ाई की आदत हो जाए, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट करके अपने को रेगुलर रहना है, करके ये नहीं सोचना है करके सीए फाउंडेशन तो छोटा एग्जाम पास हो जाएगा, नहीं, उसको भी सीरियस नहीं लेना पड़ेगा, अपने को रेगुलर रहना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा। थर्ड थिंग है टीचर की बात सुनना, जो टीचर कह रहा है उसे मानो। आप ये मत सोचो करके टीचर सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, टीचर के पास एक्सपीरियंस है उसका फायदा उठाओ। फोर्थ थिंग करके मेन, आप टीचर से डरो मत बल्कि टीचर से कम्युनिकेट करो, जो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स लग रही है और टीचर से जाके बताओ। ये मत सोचो करके टीचर्स क्या सोचेंगे करके ये इतना पुअर है या वो है, नहीं, बल्कि जो भी प्रॉब्लम आप जाके टीचर से शेयर करिए। फिफ्थ थिंग मैं ये बोलना चाहूँगा करके मेरा रैंक इसलिए आया कर ताकि मैं रेगुलर था। सेकेंड थिंग है करके मैं सी फाउंडेशन को लाइटली नहीं लिया था, और एक और थिंग है करके आपको अपने में कॉन्फिडेंस लाना करके मैं रैंक ला सकता हूँ, तो देन डेफिनेटली विल ब्रिंग रैंक। एंड मैं एक्सेल के लिए ये बोलना चाहूँगा करके एक्सेल की जो सबसे बेस्ट थिंग है वो है इनकी फैकल्टी। हर टीचर अपने अपने पर्टिकुलर सेक्टर में स्पेशलाइज करते हैं, और मेन है एक्सेल का एनवायरमेंट। एक्सेल से आपको प्यार हो जाएगा अगर आप एक्सेल में पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं अब पूरी बाकी की जो इंटरमीडिएट है, ग्रुप वन, ग्रुप टू, फाइनल, मैं पूरा एक्सेल से करूं। तो और मेन थिंग एक्सेल का है जो टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट कराई जाती है एक्सेल में, बहुत ही सीरियसली कंडक्ट कराई जाती है, जिससे जो अपना
ये एग्जाम फियर रहता है वो पूरा खत्म हो जाता है। और टेस्ट में अपने को टाइम टू टाइम पार्टिसिपेट करना है, सोचना है, रैंक लाने की कोशिश करना है, मतलब टेस्ट में जो टेस्ट सीरीज होती है नॉर्मल उसमें भी रैंक लाने की कोशिश करना है। और अगर टीचर्स कुछ बोल रहे हैं तो उसको नेगेटिवली नहीं लेना है, उसको पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि जो टीचर्स बोलेंगे वो अपने अच्छे के लिए ही बोलेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम जसिका फ्रॉम एक्सेल इंस्टीट्यूट एंड आई हैव स्कोर्ड 358 मार्क्स इन सीए फाउंडेशन विथ 12th रैंक एंड आई एम हियर बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स एंड एक्सेल इंस्टीट्यूट। द कांस्टेंट गाइडेंस ऑफ टीचर्स एंड माय हार्ड वर्क एंड एक्सेल इंस्टीट्यूट्स हार्ड वर्क ऑल बिकॉज ऑफ दैट आई एम हियर एंड आई वुड लाइक टू गिव यू सम टिप्स। First of all, set your aim and do not deviate from it because straight line is the shortest distance from two points. And second, blindly follow teachers. आप ये मत सोचो कि सही है कि गलत है, बस आप आँख बंद करके उनकी बातों को follow करो। Third tip is that जो भी आपके class में हो रहा है and homework, homework आप ज़रूर करो और class work में जो भी हो रहा है उसको repeat करो। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको आगे लेके जाएगा एंड AIR के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर आना, रेगुलर अटेंड करना क्लासेस। डू नॉट मिस सिंगल क्लास। एंड समथिंग आई वुड लाइक टू से अबाउट एक्सेल इंस्टीट्यूट ऑल्सो कि अगर आप यू आर थिंकिंग अबाउट डूइंग CA देन डोंट थिंक ट्वाइस बिफोर कमिंग एक्सेल इंस्टीट्यूट बिकॉज यहाँ की फैकल्टीज, टीचर्स दे आर सो कोऑपरेटिव, दे विल हेल्प यू बियॉन्ड देयर फैसिलिटीज़। एंड जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा हमेशा वो तैयार होंगे आपको देने के लिए। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ श्रद्धा अग्रवाल, आई एम स्टूडेंट ऑफ एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मैंने CA फाउंडेशन में 25th रैंक हासिल किया है, तो मैं यहाँ आपके साथ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। सबसे पहली बात तो CA अगर तुमको करना है, अगर CA फाउंडेशन भी निकालना है, तो तुमको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए सबसे पहली बात। क्योंकि तुम जब तक खुद के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात पॉजिटिविटी, हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिविटी को हमेशा अपने से दूर ही रखना है। थर्ड थिंग इज हमें अपने ऊपर प्रेशर है, प्रेशर ऑलरेडी प्रेशर तो रहता ही है, बट उस प्रेशर को अपने ऊपर अपने रिजल्ट्स पे नहीं दिखाने कि हम इतने प्रेशर में हैं, क्योंकि वो हमारा रिजल्ट बिगाड़ेगा ही। और जो मैं एक मेथड बताना चाहूँगी जो मोटिवेट आपको करेगा हमेशा, कभी भी आप अगर लो फील कर रहे हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, तो बस अपनी आंखें बंद करना और अपने आप को इमेजिन करना जहाँ पर तुम अपने फ्यूचर में अपने आप को देखना चाहते हो, अपने आप ही आपका पढ़ाई में मन लग जाएगा। और कभी भी 12th का प्रेशर CA फाउंडेशन में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CA फाउंडेशन एक अलग है और 12th अलग है। और मैं एक्सेल के बारे में भी कुछ बोलना चाहूँगी। एक्सेल का जो सबसे अच्छा है वो एनवायरनमेंट है, और फैकल्टी यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगी, हर तरीके से। आपका मतलब अगर आप अपने तरफ से 50% भी दे रहे हो और 70% भी दे रहे हो, तो वो 30% एक्सेल की फैकल्टी दे के आपको मतलब रैंक आएगा ही आएगा, आपका तय है रैंक आना, बस आपको मेहनत करना है और दूसरे क्या बोल रहे हैं वो नहीं सुनना है, आपको अपने मन की बात सुननी है। थैंक यू। हाय, दिस इज ममता राजपाल एंड आई सिक्योर्ड AIR 36 इन CA फाउंडेशन एग्जाम एंड या आई ऑल्सो स्टडी फ्रॉम एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट and I am here to share my experience that what I felt when I am at this situation. First of all, I would like to say that कि हम अभी ऐसे स्टेज लाइफ के ऐसे स्टेज में हैं कि हम बहुत जल्दी किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। सो ये हमारे माइंड में ये पॉइंट आना ही नहीं चाहिए। वी शुड बी फोकस्ड, वी शुड बी वन पॉइंटेड कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है लाइफ में। तो जब हमारा गोल फिक्स होता है सो वी शुड put our 100% efforts. And I also came here and I would like to share my experience that what I learned from here कि हमें teachers की हर बात follow करनी है, जैसा हमें teachers कह रहे हैं we should go in that way and definitely हमारा rank फिर आएगा ही आएगा। और सबसे पहले अपने ऊपर confidence लाना है कि हम ये कर सकते हैं, तभी हमें interest भी आएगा पढ़ने में और फिर हमें अंदर से मन भी करेगा कि हम इस चीज़ के लिए मेहनत करें। सेकेंडली, हमें
इस बात की श्योरिटी रखनी है कि एग्जैक्टली हम क्या करने आए हैं. एंड नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से दैट जो यहाँ के टीचर्स हैं वो भी स्टूडेंट्स के लिए 100% एफर्ट डाल रहे हैं. हमें यहाँ पे टीचर्स ने अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया कि एग्जैक्टली जब उनके स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं, उनके बच्चे रहते तो वो उन्हें कैसे पढ़ाते. तो ये सबसे अच्छी बात लगी कि टीचर्स भी इंटरेस्ट ले रहे थे कि स्टूडेंट जिस ईगरनेस से यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास डाउट्स लेके, तो टीचर्स भी उसे अच्छे से क्लियर कर रहे थे. एंड फैकल्टी एंड जितने भी स्टाफ थे दे वर ऑल आउटस्टैंडिंग. सो आई वुड लाइक टू से दैट कि हमारा भी एफर्ट था, आज हम इस पोजीशन पे आए हैं, ऑल इंडिया रैंक होल्डर बने हैं. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक ऑल द टीचर्स, ऑल द स्टाफ्स ऑफ हियर एंड माई पेरेंट्स ऑल्सो हु सपोर्टेड मी फॉर दिस. थैंक यू. हाई फ्रेंड्स, मैं मीत मेहता, मेरा 36th AIR आया है CA फाउंडेशन में. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, प्योर साइंस मैंने 11th 12th पढ़ा है. और कुछ सर्कमस्टेंसेस के कारण मैं ये CA ज्वाइन किया और एक्सेल इंस्टीट्यूट में आया. तो मेरे को बहुत डाउट था कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि मेरे लिए सारे सब्जेक्ट्स नए थे. तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया, 1 month तो ऐसा लगा कि सब नया नया हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, कैसे पढ़ते हैं कॉमर्स ये सब. फिर धीरे धीरे अंदर से इन्वायरमेंट जो मिला मेरे को यहाँ पे, सर्स का मोटिवेशंस और एक फ्रेंड सर्कल अच्छा मिल गया, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला. कॉमर्स में एक नया इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया. पहले तो उस टेस्ट यहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं जिसमें मेरे रैंक्स बहुत कम आते थे. मैंने टीचर से कंसल्ट किया, उनने मोटिवेशंस दिए और बताया कि इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा. और मैंने पढ़ाई स्टार्ट की तो अपने आप एक अंदर से इंटरेस्ट आने लगा और बहुत अच्छा पढ़ाई होने लग गया. यहाँ का इन्वायरमेंट जो है बेस्ट, मतलब साइंस बैकग्राउंड होने के बावजूद मेरे को कॉमर्स बहुत अच्छे से, और आज मैं AIR 36 नॉट एक्सपेक्टेड एनीवन. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्सेल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, इवन इन्वायरमेंट जो है वो सबसे बेस्ट है. और सेकेंड चीज़ अपने ऊपर डिपेंड करता है, टीचर्स तो सबको पढ़ाते हैं बट एक सेल्फ रहता है, हमको डेली सेल्फ स्टडी करनी ही है. मतलब एटलीस्ट ये ज़रूरी है कि जो क्लास में पढ़ के गए हम वो हम घर जाके रिवाइज करके ही सोए, चाहे कुछ भी हो. तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि डेली रिवीजन हमको करना है, जिसके कारण आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं. और इवन आज मैं यहाँ पे विदाउट एक्सपेक्टेशन खड़ा हूँ, तो एक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है. ओके, थैंक यू. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमृता जैन है और मैं CA फाउंडेशन बैच नवंबर 18 बैच से हूँ. और मेरा ऑल इंडिया रैंक 36 आया है अभी नवंबर अटेम्प्ट में. सो बेसिकली मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ कि मैंने कैसे अचीव किया ये. तो बेसिकली मैं 11 12th में PCM दैट इज़ साइंस बैकग्राउंड से हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि CA करना मेरे लिए बहुत अच्छा डिसीजन रहा था. मैंने एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से CA फाउंडेशन की पढ़ाई की थी अपनी. तो जब हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो हमको ऐसा लगता था कि कैसे होगा, क्या हम लोग साइंस से हैं, कॉमर्स वाले जो हमारे फ्रेंड्स थे वो लोग का रहता था कि वो लोग को सब पहले से आता था. तो हम लोग को ऐसा बोलते थे सर लोग कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग साइंस वाले हो तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को आता नहीं है. और एकदम बेसिक से सब कुछ यहाँ पे स्टार्ट करते थे. हम लोग को ऐसा बोले भी थे सर लोग कि आप लोग को नहीं आते तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग का बेस और स्ट्रांग होगा. तो वैसे ही वो हम लोग के साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोग का, पूरे जितना भी CA फाउंडेशन की हमारी जर्नी थी. इतने अच्छे से सर लोग हमको मोटिवेट करते थे, गाइड करते थे. हम लोग को बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हमने साइंस लिया था और हम लोग को आता नहीं है. हमारे फ्रेंड्स सब एकदम सब कुछ अच्छे अच्छे से हो गया. यहाँ की फैकल्टी इतनी अच्छी है, वो आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते हैं. ऐसा आपको कभी भी नहीं लगेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा या फिर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे सब लोग बोलते हैं कि CA बहुत टफ है, नहीं होता है. आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होने देंगे. इतना पॉजिटिव एंड लाइट माहौल रहता है क्लास का, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई हो जाएगी. सो बेसिकली यहाँ के फैकल्टी के बारे में बात करें तो सबसे पहले प्रवीण सर जो हमको अकाउंट्स पढ़ाए थे, मतलब सर का ऐसा रहता था कि सर एकदम बेसिक से स्टार्ट करते थे. ऐसा नहीं था कि कॉमर्स वाले क्लास में हैं तो वो एकदम हाई लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट करते थे. और सबको समझ में आ जाता था कि हाँ अरे, मतलब एकदम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते थे सबके. मैथ्स में सौरभ सर वो इतने अच्छे ट्रिक्स बताते थे, क्योंकि मैथ्स में अपना MCQ रहता है तो ट्रिक्स बताएंगे ताकि आपको शॉर्ट में सॉल्व हो जाए. भले ही आपको आता हो पूरा सॉल्व करना, पर इसमें ऐसा रहता है कि आपको ट्रिक्स चाहिए रहती है कि हम जल्दी किसे क्वेश्चंस को बनाएं, हमारा टाइम सेव हो. तो वो हम लोग को क्लास में मिलता था कि हम लोग की ऐसी आदत है कि हम लोग पूरा बनाते थे 11 12th में, पर यहाँ आके पता चला कि नहीं, हम लोग को ट्रिक्स यूज़ करना है क्योंकि टाइम कम रहता है हम लोग के पास सॉल्व करने के लिए.
फिर उसके बाद बात करें इको के लिए संजय सर, मतलब सब सारे टीचर्स यहाँ की फैकल्टी इतने अच्छे से आपको पढ़ाएंगे कि मतलब आपका अगर नहीं भी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। आपका एकदम एक ज़ीरो से एकदम हाई लेवल तक आप जा सकते हैं, इतना अच्छा आपको यहाँ पे पढ़ाई मिलेगी। सो बेसिकली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे रेगुलर टेस्ट होते हैं, प्रवीण सर रोज़ होमवर्क देते थे, बाकी टीचर्स रोज़ वर्क देते थे, जिससे क्या है क्लास में आप भले ही पढ़ते हैं पर आप घर में उसको सेल्फ स्टडी करते हैं तो कॉन्सेप्ट अलग ही क्लियर होता है। और होमवर्क करेंगे आप डेली बेसिस पे, डेली एकदम क्लास के फ्लो में चलेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, आप बस फ्लो में चलिए सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे एकदम टीचर्स लोग आपको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन बता देंगे कैसे क्या करना है, आपको खुद से मतलब एफर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हम लोग क्लास आते थे, बस क्लास आओ, हम लोग का ऐसा था कि बस क्लास आओ, क्लास में पढ़ लो तो वो मोर देन सफिशियंट हो जाता था। घर में बस जो होमवर्क दे रहे हैं वो होमवर्क कंप्लीट कर लो, उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिविजन करो डेली का डेली, और वो होमवर्क कर रहे हैं वो होमवर्क कंप्लीट कर लो। जो डेली टेस्ट होते हैं, वीकली बेसिस पे टेस्ट होते थे हमारे यहाँ पे, टेस्ट में परफॉर्म करो आप तो उससे कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो हम कर पा रहे हैं, हम परफॉर्म कर पा रहे हैं उसमें। और बाकी बस आप टेस्ट दो और उससे आपका परफॉर्मेंस भी एनालाइज होता है कि हाँ हमको किस चीज़ में मतलब और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो सब कुछ सिस्टमेटिक है यहाँ पे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। टेस्ट होते थे, डाउट क्लियरिंग सेशन होते थे हमारे क्लास के बाद में, जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं पूछ पाते हैं डाउट, तो उनके लिए अलग से डाउट सेशन होता था क्लास के बाद, वहीं पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो बेसिकली ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आपको सीए करना है आप ज़रूर आ सकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता असरानी। आई गॉट 332 मार्क्स इन सीए फाउंडेशन, दैट इज़ ऑल इंडिया रैंक 38th। मैं आज आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी ऐसे मार्क्स अचीव करने के लिए। फर्स्टली तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को जिस दिन से आपकी कोचिंग स्टार्ट होती है उस दिन से फर्स्ट डे से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। सेल्फ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डेली पढ़ना है, डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। दूसरा, आपको तीसरा, आपको अपना एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रखना है, हेल्दी एनवायरनमेंट रखना है, स्ट्रेसफुल बिल्कुल नहीं होना है। मैंने अपनी कोचिंग एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से की थी। एक्सेल की फैकल्टी बहुत अच्छी है, ना केवल पढ़ाई में बाकी फैक्टर्स में भी बहुत अच्छी है। जैसे कि आपको मोटिवेशन मिलता है यहाँ पे पढ़ने के लिए, यहाँ कंपटीशन बहुत अच्छा है, हेल्दी कंपटीशन है, जिससे आपको और मोटिवेशन मिलता है कि आप और अच्छा पढ़ सकें। तीसरा, यहाँ पे टेस्ट सीरीज हमेशा हर हफ्ते होती है, जिससे आपको एग्ज़ाम जो फेयर होता है वो हट जाता है, वो भी बेनिफिट करता है। चौथा, आपकी मॉक टेस्ट होती है एग्ज़ाम से पहले, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आता है कि किस तरीके से आपको कितने टाइम में अपना पेपर कंप्लीट करना है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ डिंपल भुपटानी, आई एम स्टूडेंट ऑफ एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड हैव अचीव्ड 39th AIR इन आवर लेटेस्ट सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। ऑल द क्रेडिट आई वांट टू गिव टू माय पेरेंट्स एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट सपोर्ट प्रोवाइडेड by our teachers in our class. Teachers helps increasing our self-confidence by giving motivation. Just one advice I want to give to the student is just stay focused, do not deviate from your aim, that helps increasing your self-confidence, and the one thing is hard work pays off. Hello guys, my name is Roshan Vadwani aur main Raipur mein hi rehta hu. Mera rank aaya hai CA foundation mein 40 aur mere marks the 330. सीए फाउंडेशन में रैंक लाना मैंने सोचा तो नहीं था आएगा, पर स्टार्टिंग के टाइम जब आया था तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन नहीं था कि आएगा रैंक, आएगा रैंक आएगा, पर फिर जैसे जैसे यहाँ का एनवायरनमेंट देखा तो एक रैंक के लिए इंटरेस्ट जाग गया, तो जिसकी वजह से रैंक के लिए मेहनत करना चालू किया। एक्सेल में आया तो यहाँ के सर जो मोटिवेट करते थे और साथ ही साथ जो पेरेंट्स का सपोर्ट था और जो फ्रेंड्स के साथ 15 मिनट्स का डिस्कशन, लोग ब्रेक को लेते हैं टाइम पास के लिए और हम 15 मिनट्स पूरे डिस्कस करते थे, तो डिस्कशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और साथ ही साथ हमने पढ़ाई तो बहुत की, मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में, जैसे कि हमारे में था अभी लॉ और इंग्लिश था, तो लॉ को तो आपको पूरा नोट्स बना के रटना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपने, उसके बाद आप उसके नोट्स बनाएं। साथ ही साथ आपको इंग्लिश के लिए, इंग्लिश तो चूंकि हम 11th 12th में भी बहुत अच्छे से पढ़े हुए होते हैं, पर यहाँ पे आपको कुछ अच्छे लेवल का इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आप बुक के एग्जांपल्स अच्छे से सॉल्व करें। और बात आती है प्रैक्टिकल नोट्स की, तो यहाँ पे जो हमको नोट्स मिलते हैं और एडिशनल क्वेश्चंस मिलते हैं
और कॉन्सेप्ट कॉपी का जो प्रवीण सर का फंडा है वो तो हमेशा काम आता है, इस बार तो हमें बहुत ज़्यादा काम आया। काश हमें ट्वेल्थ में ही सब पता होता तो हम लोग ट्वेल्थ में भी ऑल इंडिया रैंक में ही आते। आलोक सर जो हम लोग को एग्जाम्पल्स देते हैं लॉ के, वो तो रिटेन कर जाते हैं माइंड में, हमेशा रहते हैं। पेपर के टाइम तो स्पेसिफिकली एकदम तुरंत क्लिक कर जाता है कि कौन से प्रोविजन्स है वो, तो आलोक सर के एग्जाम्पल्स तो बहुत काम आते हैं। और साथ ही साथ आप जब इकोनॉमिक्स, आप जब बीसी के जैसे सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें इतनी सारी कंपनीज है, अप्रॉक्स 34 कंपनीज के CEO, CFOs एंड एक्सेट्रा आपको याद करने हैं, तो उसमें अभिषेक सर ने जो हम लोग को टेक्निक्स से याद कराया और हमारे जो टेस्ट लिए, तो उसकी वजह से तो हमें वो 34 कंपनीज कहाँ चली गई पता ही नहीं पड़ा, एकदम हमेशा रिटेन कर गई। पेपर के टाइम तो बहुत अच्छे से याद आई। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स के साथ जो हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि जेलेसी कभी कभार बहुत ज़्यादा काम आ जाती है आपको। और ख़ास करके आपके जो पेरेंट्स रहते हैं ना ऑल इंडिया रैंक के बाद, उनके फेस में जो खुशी दिखती है वो देख के आपको ये 6 महीने की या 8 महीने की मेहनत बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगेगी। और एक जो इशू आता है सीए स्टूडेंट्स के सामने वो होता है टाइम मैनेजमेंट का। तो जैसा कि मैं सही समझता हूँ कि दिन में मैं टाइम टेबल जब बनाता था तो मेरा टाइम टेबल बनता था 16 आवर्स 14 आवर्स का, और इम्प्लीमेंटेशन होता था अप्रॉक्स 10 आवर्स का। तो स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सके, तो उसी लिए फिर टाइम टेबल जो मैंने सेट किए वो किए ही अपने जो जो मेरा टाइम परमिट कर सके। और हर सब्जेक्ट्स को अलग अलग टाइम स्लॉट्स में अगर आप बांट के पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पी तरुण कुमार और मेरा AIR है 41 और मैं उड़ीसा से आया हूँ। तो मेरा यहाँ रायपुर आना एक पहला नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, और जिस जो फैक्टर्स मेरे AIR के लिए आए हैं तो वो मैं सबसे पहले अपना क्रेडिट तो अपने फैमिली वालों को और मेरे एक्सेल के टीचर्स, फैकल्टी और मेन अपने दोस्तों को देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो उन अच्छे दोस्त अगर नहीं मिलते तो मेरा पढ़ाई में भी कंसंट्रेट नहीं हो पाता। तो जो मेन टीचर्स लोग पढ़ाते थे उसके साथ साथ अगर आप अपने दोस्त लोगों के साथ डिस्कस करते हो तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, मतलब एक पढ़ाई का इन्वॉल्वमेंट देने के लिए। और बाकी तो आपका शुरू शुरू में 1-2 महीना तो हमेशा टाइम पास जाता है, पर जैसे जैसे आपका क्लासेस बढ़ता जाएगा और सिलेबस एक्सपैंड होता जाएगा आपको एक वो प्रेशर बढ़ता ही जाएगा कि कुछ अच्छा करना है। और जो मेहनत अभी आप कर रहे हो तो उसको आपको ऐसे लेके चलना है कि कुछ अच्छा ही होगा, बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ अभी क्या फ़ायदा इन सब का बोल के। और आपके जो नॉन CA फ्रेंड्स हैं, मतलब जो CA से बाहर हैं, उन लोगों को देख के आप जेलस फील नहीं करो। और आप जो क्लासेस अटेंड करते हो तो उन सब में बैठने के टाइम आपके दिमाग में बस यही चलना है कि ये सब आपके एग्ज़ाम का टारगेट लेके चलना है आपको। और जो आप PL जो मिलता है 1 महीना 2 महीना जितना भी, तो उसमें आपको बस फोकस सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। आपको ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने से वो एक काइंड ऑफ एक डिसएडवांटेज मिल जाता है आपको, क्योंकि आपका टाइम पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे चला गया है। और बस आपको दिमाग में बस यही रख के चलना है कि आप इतना दूर आए हो तो आपको कुछ करके ही जाना है। तो विद दैट थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ ट्विंकल शुभानी, मेरा ऑल इंडिया रैंक है 43 एंड मैं एक्सेल में स्टार्टिंग से क्लासेस मैंने ज्वाइन की थी फाउंडेशन की। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि हर यू नीड टू बी रेगुलर मोटिवेटेड एंड नीड टू फॉलो हेल्दी कॉम्पिटिशन। टीचर्स जो बोलते हैं वो आप सुन तो लेते हैं बट इम्प्लीमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग होती है। बस सुन लिया, हाँ सर ने बोल दिया, नहीं नहीं बहुत ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। और फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाए, पढ़ाई उससे आपकी पढ़ाई में बहुत मेहनत मिल हेल्प मिलती है, मेहनत करना ज़रूरी है, डरना मना है पढ़ना ज़रूरी है। और एक बात और, यहाँ एक्सेल का जो इन्वायरमेंट है, स्टडी इन्वायरमेंट, वो बहुत अच्छा है। और ये है कि टीचर्स आपको हर पॉइंट पे मोटिवेट करते हैं, अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और आपको ये बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको किस चीज़ को अपने अंदर इन्वॉल्व करना है, किस चीज़ को नहीं करना है। और टीचर्स तो बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर्स के हैं। और एक चीज़ पे ध्यान देना,
अगर आप एवरेज स्टूडेंट है इसका ये मतलब नहीं है कि आप रैंक नहीं ला सकते, आप अच्छे मार्क्स से वो नहीं हो, पास नहीं हो सकते। सिर्फ ये सोच के मत आया करो पढ़ने के लिए कि पास होना है, हर चीज़ को समझना सीखो, लर्न करो और टीचर्स जो बोले वो बात पे ध्यान रखो और इम्प्लीमेंट करो। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, आई एम गुंजन पारपियानी एंड आई हैव सिक्योर्ड 44th रैंक इन सीए फाउंडेशन नवंबर 18 एग्जाम। अकॉर्डिंग टू मी सीए फाउंडेशन कोर्स इज़ नॉट दैट टफ, बट अगर आप मेहनत करें तो आप इसे सक्सेस से पास कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी स्टडिंग रेगुलरली, कमिंग टू क्लास रेगुलरली एंड स्टडिंग इन पार्ट्स इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है एज़ कम्पेयर टू एग्ज़ाम से एक डेढ़ महीना पहले 10-10 घंटा पढ़ना। सो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप क्लास रोज़ आएँ, टीचर्स जो बोलते हैं वो सुनिए और उनकी बात पे उनको जो वो बोलते हैं वो आप करें, उस पर इम्प्लीमेंट करें और आप रोज़ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करें, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक फॉर माई सक्सेस टू एक्सेल एजुकेशन ऑल टीचर्स फॉर बींग सपोर्टिव एंड बींग देयर फॉर मी, ऑल्सो माई पेरेंट्स। थैंक यू। फ्रेंड्स, माई नेम इज़ प्रियांशी गुप्ता एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आई हैव अचीव्ड ऑल इंडिया रैंक 45। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई टीचर्स एंड पेरेंट्स, जिनके बिना मैं ये अचीव नहीं कर सकती। आई वुड लाइक टू शेयर दैट पीपल कंसिडर अ सी ए प्रोफेशन टू बी वेरी टफ, बट आई वुड लाइक टू शेयर दैट हार्डवर्क और रेगुलरिटी से वी कैन अचीव एनीथिंग। द रैंक वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। एंड द सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू शेयर इज फॉर द नॉन मैथ स्टूडेंट्स, मीन्स द प्योर कॉमर्स स्टूडेंट्स, वी रियली हैव द फियर ऑफ मैथ्स, जिसकी वजह से कई लोग तो सी ए ऑप्ट भी नहीं करते एंड आई वॉज वन ऑफ देम। तो आई वुड लाइक टू शेयर दैट वी हैव अ रियली गुड फैकल्टी फॉर मैथ्स हेयर, जो कि मैथ्स को बहुत ईजी गोइंग वे में पढ़ा देते हैं। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू शेयर दैट वर्क हार्ड फॉर द स्मॉल टारगेट्स एंड यू कैन अचीव एनीथिंग। थैंक यू।